नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR स्ट्रीम पर। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था कि 2023 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो उसका आपको वेट करना है। अभी फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है, फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था और लोगों का सवाल ये था कि यहाँ से BA कर सकते हैं क्या, BCom कर सकते हैं क्या, BSc कर सकते हैं क्या। तो ये जो UG और PG के एडमिशन को लेकर जो कंफ्यूजन था आपको, उसको दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं पता है कि यहाँ पर UG की एडमिशन होती है या फिर PG की एडमिशन होती है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आपकी जो है पढ़ाई होती है, BSc, BA, BCom वगैरह, तो ये सब जो होती है ये सारा कुछ कॉलेजेस वगैरह में होती है जो एफिलिएटेड होती है यूनिवर्सिटी से, जैसे कि साइंस कॉलेज है और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं आपके आसपास में, बहुत सारे आपके कॉलेज होंगे उसमें ये सारे जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसको कराए जाते हैं। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि BEd वगैरह, ये डायरेक्टली आप जो है यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। BPed है, ये सारे बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, ये सब कुछ आप जो है यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो ये जो है प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, BA, BSc, BCom वगैरह, ये सब जो प्रोग्राम है ये सारे आपके PRSU के जो मेन कैंपस है उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में होते हैं, जैसे कि साइंस कॉलेज, कालीबाड़ी गर्ल्स कॉलेज है और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप जो है इन सभी कोर्सेज को कर सकते हो। कन्फ्यूज़न आपका ये था कि ये सभी कोर्सेज को करने के लिए क्या आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा अगर आप PRSU के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो। यहाँ जब आप PRSU के मेन कैंपस में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इसके अलावा अगर दूसरे एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए सिर्फ आपको फॉर्म भरना होता है, 12th का रिज़ल्ट आप उसमें अपलोड करते हैं, 12th के रिज़ल्ट में आपका जो भी मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसको निकाली जाती है और उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है एडमिशन होता है। तो जिसका ज़्यादा मेरिट लिस्ट में जिसका नाम ऊपर रहता है उसको पहले एडमिशन मिल जाता है, जिसका ज़्यादा परसेंट रहता है उसका मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आता है नाम, तो इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं PRSU से एफिलिएटेड उन सभी में इसी तरीके से जो है एडमिशन होती है, लेकिन PRSU के मेन कैंपस UPD में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह बात करूँ तो सिलेबस वगैरह ऐसा प्रॉपर वेबसाइट में नहीं प्रोवाइड किया गया है, आप सिंपली अपना ग्रेजुएशन 11th 12th का जो बुक है उसको प्रीफर कर सकते हो, जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको आप प्रीफर कर सकते हो। नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना भी हार्ड नहीं होता, नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप कैपेबल होते हो तो इस जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम इसको निकाल सकते हो। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और इस तरीके से जो है यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कन्फ्यूज़न था आपको और किस तरीके से आप जो एडमिशन ले सकते हो। UG में एडमिशन लेना है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, PG में एडमिशन लेना है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।